अच्छा जी सुनिए, हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डिस्टेंस फॉर्मूला, स्लो फॉर्मूला, हम लोगों ने पहले तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी हमने डिस्कस कर लिए थे। एक क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 18 उसकी प्रेजेंटेशन भी देख के निकाली थी कि हम लोगों ने तमाम क्वेश्चन किस तरीके से। अब उसके आगे के जो हम लोगों पहले फॉर्मूले लिखे थे उसके क्वेश्चन उससे लाइन में हम चार फॉर्मूले लिखते थे या चार इक्वेशन लिखी थी, वही क्वेश्चन हमारे यहाँ पे मैंशन कर दिए। आज हम लोग क्वेश्चन उससे टाइम के बारे में पढ़ेंगे, क्वेश्चन उससे टाइम किस तरीके से मालूम है। देखिए इससे पहले वाले लेक्चर में लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या किया था, स्लोप की वैल्यू पढ़ी थी। स्लोप का फॉर्मूला किसके बराबर था, स्लोप इज इक्वल टू y2 - y1 / x2 - x। तो समझते हैं कि इस लेक्चर की जगह पे हम लोगों ने सिर्फ स्लोप की वैल्यू पुट करी, मतलब जब स्लोप दिया हुआ होगा, पॉइंट दिया हुआ होगा, तो हम लोग टू पॉइंट फॉर्म इक्वेशन नहीं लगा सकते। हम लोग कौन सी इक्वेशन लगाएंगे, स्लोप एंड पॉइंट फॉर्म इक्वेशन लगाएंगे, और जिससे हम लोग इसे टाइप की इक्वेशन मान सकते हैं। हर इक्वेशन जो हम लोग के पास है वो है स्लोप और y इज द फॉर्म इक्वेशन, जो कि आपके पास y = x + c, इसमें c क्या है, y इंटरसेप्ट में है, y के स्लोप में, और x / y तो आपके पास वेरिएबल है, वो इक्वेशन में मौजूद रहेंगे। व्हेन x एंड y इंटरसेप्ट आर गिवन, तो आप लोगों को दोनों इंटरसेप्ट दिए जाएंगे, x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट दिया जाएगा, तो आप लोग वाली इक्वेशन x / a + y / b = 1 ये इक्वेशन यूज करेंगे। अब हम लोग बारी-बारी क्वेश्चन बुक के क्वेश्चन से इन तमाम इक्वेशंस की एग्जांपल्स या इन तमाम इक्वेशंस के क्वेश्चन है वो हम लोग डील कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 18 तक हम लोग डिस्कस कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 19 से क्वेश्चन स्टार्ट है। क्वेश्चन नंबर 19 में बोला गया, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सेम टाइम पासिंग थ्रू द पॉइंट्स गिवन इन प्रॉब्लम नंबर 19 to 26। इसमें हम लोग के पास 26 तक तमाम में इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन मालूम करनी है। 27 वाला क्वेश्चन में भी हम लोग के पास पॉइंट जीरो और इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन मालूम करनी है। आपके पास इस तरह इक्वेशन है मौजूद है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासेस थ्रू द पॉइंट्स, आपके पास दो पॉइंट दिया था, उसकी इक्वेशन मालूम करनी है। हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 27 इधर दिखाया है, सॉल्व किया ताकि आप लोगों को प्रेजेंटेशन का पता चल जाए। क्या किया हुआ था, हमारे पास दो पॉइंट दिए हुए थे, उन्हीं दो पॉइंट को हम लोगों ने सबसे पहले लेफ्ट के लिए कंसीडर कर लिया, ये x1 हो गया, ये y1 हो गया, और ये हम लोग के पास x2 हो गया, y2 हो गया। पहला पॉइंट ये होता है 1, -3 दिया हुआ था, वो हमारे पास x1 y1 हो गया। जो दूसरा पॉइंट ये होता है 7, 9 दिया हुआ था, वो हम लोग के पास x4 y2 हो गया। ऐसे ही नोट करते हमें पता है कि भाई दो पॉइंट दिए हुए, तो कौन सी क्वेश्चन आएंगे, टू पॉइंट फॉर्म में क्वेश्चन आएंगे, ना इसमें स्लोप के मैंने ना तो y इंटरसेप्ट के मैंने। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग टू इंटरसेप्ट टू -3 इसी तरीके से y2 की वैल्यू पुट करेंगे तो y2 की वैल्यू 9 थी, 9 आ गया, माइनस ओमले का y1 की जगह पे आपके पास -3 आ गया, जो कि ये लिखा हुआ। x2 की जगह पे आपके पास 7 आ गया, ये लिख दिया हम लोगों ने माइनस ओमले का इक्वेशन का। x1 की जगह पे हम लोगों के पास 1 आ गया, जो कि ये लिख दिया। x माइनस x1 x2 ऐसे जैसे रहा, माइनस क्वेश्चन का x1 x1 की जगह पे 1 की वैल्यू की 1 पुट कर दी। आप लोग जरा देख सकते हैं, हम लोग ब्रैकेट ओपन करेंगे, जब भी हम लोग ब्रैकेट पुट करते हैं अगर नेगेटिव में होती तो हम लोग ब्रैकेट यूज कर लेते हैं। अब इन ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, स्टेप बाय स्टेप काम करेंगे तो आंसर बिल्कुल सही होगा। अगर कोई भी डायरेक्ट स्टेप करेंगे तो आपके पास गलती के चांसेस बढ़ जाएंगे। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो y + 3 हो गया। नेक्स्ट स्टेप में आप लोग देख सकते हैं 9 + 3 हो गया अपॉन आप लोग के पास 7 - 1 6 हो गया, x minus 1 या आपके पास ऐसे तो दिखा हुआ है। ऊपर ऐड कर दिया तो मैं 9 plus 3 कितना हो गया, 12 हो गया, 12 upon 6 into x minus 1 denominator। अगर हम लोग चाहें तो इनको हम लोग उधर भी देख सकते हैं, जैसे इसी पे डिवाइड हो रहा है, इस इक्वेशन को उधर आगे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, सिर्फ 12 रह जाएगा, 12 x minus 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर ये कैंसिल हो रहा हो तो इधर कैंसिल कर देंगे,
इधर हमारे पास टेंसिलेशन हो रही है, हमने बोला 6 1 का 6 6 2 सर, और वो क्या हमारे पास क्या आ गया, 2 आ गया, 2 इधर बच गया, इधर 1 बचा था। आपको पता है किसी के डिनोमिनेटर में हमारे नंबर से 1 डिवाइड होता होता है, मल्टीप्लाई होता होता है, जो कि हम लोग लिखते नहीं हैं। 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा x माइनस 1 से y प्लस 3, एज इट इज यहाँ पे लिखा हुआ है। 2 मल्टीप्लाई हो गया x माइनस 1 से 2x माइनस 2 हो गया, ब्रैकेट में जो जो चीजें हैं वो चीजें मल्टीप्लाई होंगी 2 से, तो 2x माइनस 2 हो गया, जो कि आप लोगों के सामने लिखा हुआ है। अब बात आती है इक्वेशन किस तरीके से लिखी जाए, y प्लस 3 इज इक्वल टू 2x माइनस 2। तो इक्वेशन याद रखिएगा, इक्वेशन हमेशा इस तरीके से लिखी जाती है कि आप लोगों के पास देख सकते हैं कि पहले आप लोगों के पास x वाली फिगर है, यानी कि वेरिएबल x मौजूद हो, जो कि प्लस साइन के साथ मौजूद हो, जरूरी है ये। उसके बाद आपके जो पास y वाली टर्म आए, अब ये y वाली टर्म चाहे प्लस के साथ हो चाहे माइनस के साथ हो कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर आप लोगों को x पॉजिटिव रखना है, x पॉजिटिव रखना है, y होगा और फिर इस इक्वल टू के उधर कांस्टेंट होना चाहिए, जिसको हम क्या बोलते हैं c, कांस्टेंट किसको होना चाहिए, जरिमा के इक्वल टू उधर हो तो पॉजिटिव है, अगर वो नेगेटिव हो तो उसको इस इक्वल टू को उधर मत लेके जाए, उसको यहीं पे रहने दे, यहीं पे रहेगा इस इक्वल टू में तो क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, तो अगर उधर जाके नेगेटिव हो रहा है तो यहीं पे रहने दे। तो ये दो सूरत हाल है आप लोगों के सामने, इक्वेशन लिखने की जनरल फॉर्म से इक्वेशन लिखने की, कि जब भी हम लोग इक्वेशन मालूम करेंगे तो हम लोगों को किस तरीके से अपनी इक्वेशन को लिखना है। लिखने के बहुत सारे तरीके, हम लोग y के ऊपर के लिख सकते हैं, x के ऊपर के लिख सकते हैं, x y को नेगेटिव करके लिख सकते हैं, मतलब कोशिश करें कि अपनी फॉर्म अपनी इक्वेशन को जनरल फॉर्म में लिखें। जनरल फॉर्म क्या है, पहले x होना चाहिए प्लस में, फिर y होना चाहिए और इक्वल टू, उधर कांस्टेंट हो उधर नहीं है तो इधर ही हम लोग के पास कांस्टेंट हो प्लस है। आप लोग देखेंगे पहले वाली इक्वेशन के मुताबिक या दूसरा इक्वेशन के मुताबिक अभी हम लोग इस इक्वेशन को अरेंज करेंगे। इक्वेशन क्या कि हमने के पास y प्लस 3 इज इक्वल टू 2x माइनस 2। अब हमें पता है कि हमारे पास x जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए, x कौन सी साइड पे, हमारे पास राइट हैंड साइड पे, हम लोगों ने x राइट हैंड साइड पे लिखकर रहने दिया। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मैंने राइट हैंड साइड लिखी, लेफ्ट हैंड साइड पे भी कुछ नहीं लिखा, 2x लिखा हुआ था, मैंने 2x लिख दिया, साथ ही में क्या लिखा हुआ था, माइनस 2 लिखा हुआ था, जो कि लिखा हुआ है लेफ्ट हैंड साइड से y जो कि पॉजिटिव था इधर आ गया, जब ये इधर आ गया तो क्या हो गया, माइनस का हो गया, प्लस 3 का ये भी इधर आ जाएगा, तो प्लस 3 का इधर आ गया तो क्या हो गया, माइनस 3 हो गया। अब लेफ्ट हैंड साइड पे कुछ नहीं बचा, तो हम लोगों ने बोला लेफ्ट हैंड साइड पे कुछ नहीं बचा तो क्या बचा, 0 बचा, ये 0 मैं इधर लिखूं ये इक्वेशन के इधर लिखूं बात क्या है, एक ये तो नेक्स्ट स्टेप में मैं 0 को इधर लिख दूंगा, मैंने लिखा 2x, ये लिखा हुआ 2x, फिर क्या लिखना था, y लिखना था, अब y हम लोगों के पास माइनस साइन के साथ है तो हम लोगों ने माइनस y लिख दिया, माइनस 2 माइनस 3 को सॉल्व करेंगे तो माइनस 5 रहेगा, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड ये भी हम लोगों के पास है, लेफ्ट हैंड साइड को हम लोगों ने सॉल्व किया 0, राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा हुआ था तो हम लोगों ने इधर राइट हैंड साइड पे लिख दिया, यानी कि इक्वेशन क्या हो गया हमारे पास 2x माइनस y माइनस 5, ये हमारे पास इक्वेशन बन गई। अब मैंने देखा कि हमारे पास कांस्टेंट नेगेटिव में उधर भेज दूंगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, भेज दे कोई इशू नहीं है, अच्छी बात है, इक्वेशन और जनरल फॉर्म जनरलाइज फॉर्म आ जाएगी इक्वेशन की, और आप लोगों ने फाइव को उधर भेज दिया इक्वेशन की शक्ल क्या निकल के आ गई, 2x माइनस y इज इक्वल टू 5, या आप लोगों के पास इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन आ गई। पता है आप लोगों को तरीके क्या, जब भी हम लोगों के पास इक्वेशन आ जाती है सेम सिंपलाइज कर डेयर फोर के साइन, आप लोग पुस्तक देख रहे होंगे कि जैसे ही लाइक करके सपोज किया था तो हम लोगों ने डेयर फोर के साइन सेंस के साइन यूज किए थे, ऐसे ही उधर चले फॉर्मूला शो करना आया था सेंस के साइन के साथ, तो जितनी भी कैलकुलेशन होगी उन सब में हम लोगों ने इंप्लाइड यूज किया, और जब हम लोग के पास आंसर आ गया तो आंसर के लिए हम लोगों ने डेयर फोर का साइन यूज किया, और यही साइन हम लोग लास्ट लेक्चर में बता चुके, जब आंसर आ गया तो आंसर तो हम लोगों ने स्केल और मार्कर की मदद से ब्लॉक कर दिया, बिल्कुल क्लियर ब्लॉक हो गया, ये हम लोग के पास इक्वेशन सॉल्व हो गए। कौन सा इक्वेशन, जो हम लोग को 2 पॉइंट्स गिवन हो गए। अब एक क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 41 बुक में देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 में क्या बोला था आप लोगों को, किस तरह का डेटा दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 41 में आप लोगों के पास एक पॉइंट दिया है, फाइंड द क्वेश्चन नंबर स्ट्रेट लाइन पासेस थ्रू 4, -5, जो किस पॉइंट से पास हो रही है, 4, -5 से पास हो रही है, द स्लोप इज इक्वल टू, स्लोप किसके बराबर है, -3/4 के बराबर,
एक पॉइंट दिया हुआ है और स्लोप दिया हुआ है, दोनों में लेट करके सपोज कर दिया, वो पॉइंट हमारे पास x1 y1 होगा, और वो जो स्लोप दिया हुआ था उसको हम लोगों ने m से शो कर दिया, यानी कि कहीं पे भी m आएगा तो हम वहां पर उसकी वैल्यू पुट कर देंगे, m के स्लोप की वैल्यू पुट कर देंगे -3/4। वही तरीके का हम लोगों ने सेंस करके वैल्यू शो करवा दी, ऐसे नो देट करके अब मुझे पता है कि मुझे स्लोप दिया हुआ और एक पॉइंट दिया हुआ, तो मैं टू पॉइंट फॉर्मूला तो यूज ही नहीं करूंगा, मैं सेकंड फॉर्मूला यूज करता हूं। तो सेकंड फॉर्मूला क्या था हमारे पास, स्लोप पॉइंट फॉर्मूला, उसमें क्या था, एक पॉइंट था और एक स्लोप था, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं y - y1 = m * x - x1, ये आप लोगों के पास फॉर्मूला था, तो ये स्लोप पॉइंट फॉर्म इक्वेशन कहलाती है, जिसमें एक पॉइंट यूज होता है और स्लोप यूज होता है, वही फॉर्मूला हम लोगों ने यहां पे यूज किया, क्यों, क्योंकि हमें एक पॉइंट और एक स्लोप दिया हुआ था। y1 की जगह पे y1 की वैल्यू पुट करते हैं, y1 की वैल्यू क्या थी -5, मुझे पता है तो हम क्या करेंगे, हम डिनोमिनेटर को उधर शिफ्ट कर देंगे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 इधर डिवाइड हो तो हो जाएगा क्या, हो गया मल्टीप्लाई हो गया, आप लोग देख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई हो गया 5 प्लस 5 में आपको 5 प्लस 5 मल्टीप्लाई हो रहा है 4 इज इक्वल्स टू -3 यहीं पे रहा और मल्टीप्लाई होगा x - 4 से, 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा ब्रैकेट ओपन होगा 4y हो जाएगा ब्रैकेट ओपन हुआ तो 4 5 से मल्टीप्लाई होगा जो कि क्या हो गया 20 हो गया इज इक्वल्स टू -3 x से मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हो गया -3x हो गया, मैंने साइन मल्टीप्लाई हो माइनस प्लस x के साथ प्लस साइन की, 3 के साथ नेगेटिव माइनस साइन की, माइनस प्लस माइनस 3 मल्टीप्लाई हुआ x से 3x हो गया, इसी तरह माइनस माइनस प्लस हो गया 3 मल्टीप्लाई हुआ 4 से 12 हो गया। हमारे पास इक्वेशन की ये सूरत आ रहा है, मुझे पता चल गया इक्वेशन को मुझे अरेंज करना होगा, इक्वेशन हम लोग के पास इस तरीके से आ गया, इक्वेशन किस तरीके से अरेंज कर सकते हैं हम लोग, मुझे पता है मेरे पास x क्या है नेगेटिव है, मेरे पास x होना क्या चाहिए पॉजिटिव होना चाहिए, तो मैं अपने x को लेफ्ट हैंड साइड पे ले गया, देखिएगा 3x था मैं उधर ले गया, माइनस में था उधर जाके क्या हो गया प्लस का हो गया, पहले से उधर क्या लिखा हुआ था, पहले से उधर 4y लिखा हुआ था प्लस का, पहले प्लस शो नहीं हो रहा था मगर अब क्योंकि पहले क्रम आ गई है तो प्लस शो होगा, पहले से उधर और क्या लिखा हुआ था प्लस 20 लिखा हुआ था, राइट हैंड साइड पे हमारे पास प्लस 12 पर जो बोला जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 12 हो जाएगा, इधर कुछ नहीं बचा तो मैंने बोला इधर क्या बचा 0 बचा, इसको सॉल्व किया हमारे पास 3x आ गया प्लस 4y आ गया, इन दोनों को सॉल्व किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा प्लस का 8 बच जाएगा, प्लस 20 माइनस 12 प्लस 8 बच गया, अब जाएगा तो उस कांस्टेंट को उधर लेके जाऊंगा तो नेगेटिव हो जाएगा, तो मैंने इस कांस्टेंट को इधर ले लिया और मैंने बोला इससे ज्यादा मैं इसको सिंपलीफाई नहीं कर सकता, सिंपलेस्ट फॉर्म आ गए जनरल फॉर्म आ गए हमारे पास इक्वेशन की, तो मैंने इसको ब्लॉक कर दिया मान लो स्केल की मदद से, बिल्कुल इसे देख सकते हैं आप लोग। इस जैसे ही एक और क्वेश्चन जो कि आप लोग के पास क्वेश्चन नंबर 57 है, क्वेश्चन नंबर 57 में आप लोग देखेंगे कि आप लोग क्या आ जाएगा माने क्वेश्चन नंबर 59 है क्वेश्चन 59 है क्वेश्चन मालूम क्या नहीं है सही है सेटिस्फाइंग द फॉलोइंग कंडीशन, क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 57 में, 57 में आप लोग के पास दिखा है y इंटरसेप्ट इज इक्वल टू 3, आपके पास y इंटरसेप्ट 3 और स्लोप हो किसके बराबर 3/4 के बराबर, यानी इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन मालूम है। अब वही तरीके का क्या तरीका है कि हम हमारे सबसे पहले सॉल्यूशन के लिए मैंने लेट करके सपोज के लिए स्लोप इज इक्वल टू b/4 y इंटरसेप्ट इज इक्वल टू c इज इक्वल टू 3 माइनस 3 एज वी नो दैट करके, अब पहले वाली इक्वेशन हमने पढ़ी थी जिसमें दो पॉइंट थे तो कोई पॉइंट नहीं है, सेकंड इक्वेशन पढ़ी जिसमें एक पॉइंट और स्लोप था इसमें पॉइंट नजर नहीं आ रहा स्लोप नजर आ रहा है मगर स्लोप के साथ साथ y इंटरसेप्ट नजर आ रहा है यानी कि स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म इक्वेशन है, तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म इक्वेशन कौन सी थी वो थर्ड इक्वेशन थी जो कि कौन सी थी y इज इक्वल टू mx + c, आप लोग देख सकते हैं व्हेन स्लोप एंड y इंटरसेप्ट आर गिवन तो हमने कौन सी इक्वेशन यूज करी y इज इक्वल mx + c यूज करेंगे, और आप लोग देख सकते हैं यही इक्वेशन में मेंशन कर दिया कि y इज इक्वल टू mx + c, वही तरीके का है जो उधर करके वही सेंस की साइन के साथ इंप्लाइज है, अब वैल्यूज पुट करेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे ना हम लोगों ने बोला स्लोप की जगह पे क्या आ गया स्लोप m का 3/4 आ गया 3/4 पुट कर दिया प्लस 10 आ गया
के पास याद रखा करें कि क्वेश्चन को देखते हुए वैल्यू स्टोर किया करें, जैसे ही क्वेश्चन है वैसे वैसे डायरेक्ट वैल्यू स्टोर करें। अब देखिए n की जगह पर 3/4 आ गया, x का x आ गया, प्लस का प्लस आ गया, c की जगह पर c की वैल्यू, माइनस c की माइनस 3 आ गई, ब्रैकेट में पुट करिए तो कम नहीं करेगा वैल्यू। आगे देख सकते हैं आप लोग, आगे स्टेप प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, आपके पास नेक्स्ट टाइम में माइनस हो गया। अब याद रखिएगा कि कभी भी इस तरह का डिनोमिनेटर में कोई भी फैक्टर आपके पास है तो उसको डायरेक्टली वहां पे नहीं मिलेगा। अक्सर स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं कि ये 4 इधर डिवाइडर है उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब उसको जाके मल्टीप्लाई होगा जब ये पूरा होल डिनोमिनेटर में होगा। तो होल डिनोमिनेटर में कैसे आएगा, जब आप लोग एलसीएम लेंगे, एलसीएम कैसे लेंगे भाई मुझे बताया कि भाई इस 3 के डिनोमिनेटर में कुछ नजर नहीं आया तो क्या मौजूद होगा, 3 के डिनोमिनेटर में मौजूद होगा तो मैं 4 और 1 का एलसीएम ले लूंगा। जब मैं 4 और 1 का एलसीएम लूंगा तो मेरे पास क्या निकल के आएगा, 4 निकल के आएगा। 4 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 4 आ जाए 1 से, 1 को मैंने ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर क्या लिखा हुआ था 3x लिखा हुआ था तो 3x एज इट इज आ गया। 1 को मैं 1 का मैंने डिनोमिनेटर में 15 तो 4 हो गया, तो 1 को मैंने किससे मल्टीप्लाई किया ऊपर तो 4 हो जाए 4 से, तो 4 को मैंने ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर क्या लिखा हुआ था 3 लिखा हुआ था, तो जब 4 मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हो गया वो 12 हो गया। ये क्यों करते हैं एलसीएम लेने का तरीका है, अगर ऐसा नहीं करूंगा मैं और जनरल आपके सामने लिखा हुआ ये लिखा हुआ 3x माइनस 12 डिनोमिनेटर में लिखा हुआ 4, मैंने एलसीएम ब्रेक कर दिया कि पता नहीं मैंने एलसीएम से लिया हो या नहीं, मैंने एलसीएम ब्रेक किया तो 4 3x के नीचे भी आ जाएगा और 4 जो है वो 12 के नीचे भी आ जाएगा। जब इसको सॉल्व करो 3x अपॉन 4 इसको सॉल्व किया तो हमारे पास क्या हो गया 3 हो गया। जब भी हमारे पास की जो 3 के जो 3 था वो 12 बना, क्यों के जब हमारे पास कोई डिनोमिनेटर में 4 आ गया तो उसने इफेक्ट डाला उसके न्यूमरेटर पे, वो 3 से क्या हो गया 12 हो गया, जब भी 4 को मल्टीप्लाई करवाना पड़ा 3 से वो 12 हो गया। सही, अब 4 जो है वो होल डिनोमिनेटर में है तो 4 उधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा तो 4y = 3x - 12 हो गया। इक्वेशन को अरेंज करना है राइट हैंड साइड पे, हमारे पास 3x मौजूद है तो तमाम चीजों को हमें राइट हैंड साइड में लेके आना पड़ेगा लेफ्ट हैंड साइड से, क्यों, क्योंकि हमारे पास x जो है वो प्लस का है तो हम लोग y को 4y को इधर लेके आए जो कि उधर प्लस का था, जब इधर लेके आए तो क्या हो गया माइनस का हो गया। क्यों कर रहे हैं ऐसा, क्योंकि अपने इक्वेशन को जनरल फॉर्म में लिखना है, यहां तक इक्वेशन सिंपलीफाई तो हो गए मतलब उसको जनरल फॉर्म में लिखना होगा। अब जनरल फॉर्म में लिखेंगे 3x की जगह पे मौजूद है वहां से y आ गया, जब y आया तो नेगेटिव था तो -4y, हम लोगों ने डायरेक्ट दोनों के डिटरमिनेंट लिख दिया ताकि एक स्टेप बच जाए अरेंज करने का। 3x मौजूद था, 4y वहां से आ गया -4y, ये लिखा हुआ पहले से ऑलरेडी यहां पे क्या मौजूद था -12 मौजूद था। इस इक्वेशन को जीरो राइट हैंड साइड पे लिखो, लेफ्ट हैंड साइड पे लिखो बाद में दिए तरीके का ये है कि हम लोग राइट हैंड साइड पे लिखे तो हमने राइट हैंड साइड पे लिख दिया -12 का इक्वेशन को उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, मैंने कांस्टेंट को उधर भेज दिया, गेट को करके अपनी इक्वेशन को क्या कर दिया ब्लॉक कर दिया, ये हमारे पास आंसर है। सही, आप लोग बुक के पीछे भी देख सकते हैं, होता तो आप लोग को ये वाला आंसर दिया हो, मगर याद रखिएगा इक्वेशन को हमेशा अरेंज करके लिखेंगे तो ये आंसर आना चाहिए। इक्वेशन को y की वैल्यू फॉर्म में लिखेंगे तो ये आएगा, x फॉर्म में लिखेंगे तो और डिफरेंट हो जाएगा, तमाम वैल्यू देख कर हो जाएगी। अब आप लोग देख लीजिए इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को, ये तमाम काम तो वो काम है जो हम लोगों ने अभी डिस्कस किया था, आप लोगों का जनरल फॉर्म वगैरह और ये तमाम रबर के एलसीएम किस तरीके से लेते हैं। असाइनमेंट देख लीजिए आप लोग, असाइनमेंट किस तरीके से करना है आप लोगों को, होम असाइनमेंट इधर आप लोग एक चीज देख रहे हैं, वो चीज ये देख रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 8 तक हम लोगों ने सॉल्व कर दिया था, क्वेश्चन नंबर 9 टिल क्वेश्चन नंबर 26 से लेकर 26 तक, 27 हम लोगों ने सॉल्व किया, 28 से लेकर 36 तक, ये तमाम वो क्वेश्चन है जिसमें 2 फॉर्म इक्वेशन लग रही है, 2 पॉइंट फॉर्म इक्वेशन लगेगी, यानी कि तो फर्स्ट इक्वेशन थी y - y1 = y2 - y1 - x2 - x1 - x1, ये वाली इक्वेशन लगी। आप लोग देख सकते हैं 19 से लेकर 26 तक क्वेश्चन सारे के सारे क्वेश्चन डिस्टेंस मालूम करें, सेकंड पार्ट क्या है, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू दीस पॉइंट्स,
आप लोग इक्वेशन मान लेते हैं इन पॉइंट्स के दरमियान जो भी इक्वेशन लाई कर रही है, इन पॉइंट की मदद से जो भी इक्वेशन होगा, तो आप लोगों ने क्या किया, आप लोगों ने इक्वेशन मान लेते हैं और डिस्टेंस मान लेते हैं। इसके बाद वाला क्वेश्चन है आप लोग के पास 32 वाला, उसमें भी इक्वेशन मान लेते हैं और जो पॉइंट है डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स आप लोगों को डिस्टेंस मान लेते हैं। जबकि बी में आप लोगों को डिस्टेंस मान लेना है, जब उसके बी पार्ट में आप लोग के पास इक्वेशन मान लेते हैं जनरल फॉर्म में, जबकि फोर में आप देखिए इन्होंने लिख भी दिया है साथ साथ ना फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन जनरल फॉर्म, आप इन जनरल फॉर्म में इस तरीके से। तो एक तरीके का बना लिया हमने कि जब भी इक्वेशन आएगा तो जनरल फॉर्म में लिखेंगे, सही है, और उसी तरीके से हम लोग इक्वेशन मेंशन करेंगे वही हम लोग का आंसर होगा। तो अब चाहे वो जनरल फॉर्म बोले या नहीं बोले हमें जनरल फॉर्म में लिखनी है। तो इस पास जो था पॉइंट दो पॉइंट थी वो उनके दरमियान आप लोग तो उससे पास हो ही रहा है। क्वेश्चन नंबर 34 में आप लोग के पास डिस्टेंस मालूम करना और इक्वेशन मालूम करनी है। 35 में भी यही काम है, 36 में भी यही काम है। तो यानी कि 28 से लेकर 36 वो क्वेश्चन है जिसमें इक्वेशन और डिस्टेंस मालूम करना है। क्वेश्चन नंबर 19 से लेकर 26 प्योरली सिर्फ इक्वेशन मालूम करने के क्वेश्चन है। प्रैक्टिस ज्यादा है, क्वेश्चन ज्यादा है, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने ज्यादा आप लोग कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, उतनी ज्यादा परेशानियां आप लोगों की दूर होंगी, उतने आज नई नई चीजें आपके पास सोल्यूशन के रहना निकल के आएंगी। तो ये आपको पता होगा कि जब कभी ऐसी सुविधा होगी तो क्या स्टेप लेना होगा, सही थी। अच्छा नेक्स्ट हम लोग के पास क्वेश्चन नंबर